We call this as uniform resource locator. Uniform क्यों? क्योंकि ये जहां मर्जी दुनिया में चले जाओ it remains same. इसमें कोई चेंज नहीं आती. रिसोर्स मतलब कि कुछ भी चीज जो आपको चाहिए कोई काम करने के लिए. एंड लोकेटर मींस जो उसको लोकेट कर रहा है. सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज बेसिकली एन एड्रेस व्हिच टेल्स यू हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट. तो इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो क्या हैं इसके पास. द फर्स्ट पार्ट इज www. दिस इज बेसिकली द वर्ल्ड वाइड वेब. दिस इज द होस्ट नेम. देन DAV जलंधर. This is called as the domain name. ये जो domain name है ये basically आपको एक particular organization के बारे में बताता है कि ये किसको belong करता है. जैसे आप लोग खोलते हो Google, Yahoo, Hotmail, Amazon, Flipkart वगैरह वगैरह. ये सारे domains हैं जो उन respective companies के हैं. तो इसी तरह से DAV college के बारे में आपको भी information चाहिए तो it is on DAV जलंधर. And इसके पीछे है .com that we call it as टॉप लेवल डोमेन या TLD इसको बोलते हैं. बहुत सारे TLDs अवेलेबल हैं. जो कॉम है दिस इज फॉर द कमर्शियल पर्पस. .in फॉर इंडिया. .org फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. .mil फॉर मिलिट्री. .gov फॉर गवर्नमेंट. एंड देर आर कंट्री स्पेसिफिक लाइक .us फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स. .ca फॉर कैनेडा एंड सो ऑन. तो ये जो TLD है ये बताता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए काम कर रही है. So what is this World Wide Web? It's an information system. Information system है जहाँ से आप किसी भी तरह की कोई भी information retrieve कर सकते हो, which enables the content sharing over the internet. किस तरह का content? The content can be the plain text content. It can be images. It can be embedded videos or audio. जब वर्ल्ड वाइड वेब को डिज़ाइन किया गया था उसका मेन पर्पस क्या था कि ये यूज़र फ्रेंडली तरीके से आपने इसको मैनेज कर रहा है. ठीक है, जो भी आप डिज़ाइन करोगे यूज़र के लिए वो चीज़ एक्सेसिबल होनी चाहिए. और बियॉन्ड IT स्पेशलिस्ट एंड हॉबीज कि ऐसा नहीं कि कुछ आप ऐसा डिज़ाइन कर दो कि उसको सिर्फ कंप्यूटर वाले बंदे एक्सेस कर सके. जनरल पब्लिक के लिए ये चीज़ होनी चाहिए. एंड दिस हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द टुडेज ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. एज ऑलरेडी मैम हैज सेड टोल्ड के टिम बर्नर्स-ली ने ये शुरू किया था. जो फर्स्ट वेबसाइट थी दैट वाज लॉन्च्ड इन 1991. की माइलस्टोन क्या है इसमें. 1993 में मोज़ेक ब्राउजर लॉन्च किया गया. 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब. 2010 में सोशल मीडिया आया. और 2020 में ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का जो काम है ये सारा शुरू हो गया. So let's first discuss the basic concepts. Ki what do you require for this World Wide Web? The first thing that you see here is a web server. This will be required for hosting your website. आप लोग वेबसाइट देखते हो जैसे गूगल खोला आपने, अमेजोन खोला, फ्लिपकार्ट खोला. तो ये वेबसाइट्स कहाँ से चल रही हैं. There are certain servers available over some location. और उन सर्वर्स के ऊपर वो फाइल्स पड़ी हुई हैं जहाँ से वो फाइल्स को आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हो. आप कैसे उन फाइल्स को देख रहे हो. यू आर हैविंग सम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर्स. कौन कौन से वेब ब्राउजर्स आप लोगों ने देखे हुए हैं. क्रोम आई गेस आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हो. सफारी आपने देखा होगा. फायरफॉक्स देखा होगा. दीज आर वेरी पॉपुलर वेब ब्राउजर्स. देन URLs वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है. उसके बाद ये जो टर्म लिखी है मैंने HTTP एंड HTTPS ये क्या है. दीज आर द प्रोटोकॉल्स फॉर रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन. हम लोग जैसे जब आपस में बात करते हैं तो हिंदी में, पंजाबी में या इंग्लिश में बात करते हैं तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं. उन रूल्स को फॉलो करते हैं. तो ऐसे ही कंप्यूटर जब आपस में बात करते हैं तो वो लोग कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं. दोज रूल्स आर ईदर HTTP और HTTPS. पहले जब ये वेबसाइट्स डिजाइन की गई तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ HTTP चलता था. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं. एंड दिस वाज प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन. जो भी आपने बोलना है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो. दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रॉनिक को डीकोड करके वापस आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. बट देयर वाज अ ड्रॉबैक दैट एनीबॉडी ऑन इंटरनेट कुड इंटरसेप्ट दैट थिंग. वो उसको पढ़ सकते थे. आपका कोई सीक्रेट मैसेज हो तो उस मैसेज को ग्रैब कर सकते थे. उस मैसेज को चेंज करके वो कुछ हैकिंग की एक्टिविटीज़ कर सकते थे.
उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपने आजकल ये बहुत ईजी वे भी सुना होगा कि HTTPS यूज करो, ठीक है, दिस इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट होगा या जो इमेज है, जो वीडियो है, जो ऑडियो है या कुछ भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाएगी एंड देन इट विल बी सेंड ओवर टू द इंटरनेट। उस चेंज की हुई फॉर्म को कोई दूसरा बंदा हैक नहीं कर सकता, आपके पासवर्ड के साथ उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा या देयर आर अदर सम क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स जिससे उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा और वो इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकती, तो वो सिक्योर हो गई। आपने कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स करनी है, कोई सीक्रेट कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन करनी है, दिस ऑलवेज हैज टू गो थ्रू दिस HTTPS। तो ये तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजीज, आपको किस किस की नॉलेज होनी चाहिए, यू नीड टू नो अबाउट द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट इज HTML। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, वी यूज हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, तो कंप्यूटर्स में जब आप कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कराओगे ब्राउजर को कि यहाँ पे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इसको इटैलिक करना है, इसको अंडरलाइन करना है, यहाँ पे साइज टेक्स्ट का बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा होना चाहिए, तो वो कौन बताएगा? वो ये HTML लैंग्वेज बताएगा। उसके बाद देयर आर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स दैट इज CSS। टेक्स्ट को कुछ स्पेशल आपने अपीयरेंस देनी है तो उसके लिए हम लोग ये स्टाइल शीट्स CSS यूज करते हैं, और टेक्स्ट को अगर आपने इंटरैक्टिविटी प्रोवाइड करनी है तो देन वी यूज द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसके बाद नेटवर्किंग में, अब इतने सारे कंप्यूटर्स दुनिया में पड़े हुए हैं, वो सब कंप्यूटर्स के बारे में आपको कैसे पता लगेगा? एवरी कंप्यूटर विल बी हैविंग अ स्पेशल एड्रेस एसोसिएटेड विद इट, दैट इज कॉल्ड एज द IP एड्रेस, ठीक है, या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एड्रेस हमें कौन देता है? ये एड्रेस हमें ISP से मिलेगा, जो भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, मे बी एयरटेल है, रिलायंस है, ठीक है, आइडिया है या कोई भी है। जब आप उनसे इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, बाय करते हो, तो वो आपके फ़ोन में या आपके घर में कोई मॉडम्स इंस्टॉल करते हैं और उन मॉडम्स के थ्रू वो इंटरनेट या ब्रॉडबैंड को चलता है। उन मॉडम्स के थ्रू आपको ये IP एड्रेस असाइन होता है, ठीक है, और इस IP एड्रेस के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। इंटरनेट पे कोई भी मशीन हो, हर मशीन का IP एड्रेस यूनिक होगा, कोई दो मशीन एक जैसा IP एड्रेस नहीं रख सकती, और इसी वजह से जो साइबर सेल्स हैं वो क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। आपने कोई भी मैसेज भेजा, आपने सोचा कि मैंने तो अपने घर पे बैठ के भेजा, किसी को क्या पता लगेगा, पर वो उस मैसेज के साथ IP एड्रेस रिकॉर्ड हो जाता है और उस IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपके ISP के पास होती है कि ये IP एड्रेस मैंने किस टाइम पे किस बंदे को असाइन किया था, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर दे कैन ट्रैक योर एग्जैक्ट लोकेशन, फाइन। देन डोमेन नेम्स, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस, जैसे DAVjalandhar.com हम लोगों ने डोमेन नेम बाय किया था, तो वो डोमेन नेम आप बाय कर सकते हो। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एड्रेसेस जो थे, दीज वर इन न्यूमेरिक फॉर्म, चार ऑक्टेट्स की फॉर्म में होते हैं, इन न्यूमेरिक फॉर्म्स को याद रखना बड़ा मुश्किल था, तो इसकी मैपिंग कर दी गई, आपकी कंपनी के नाम के साथ एक IP एड्रेस को मैप कर दिया गया, ठीक है, और आपको जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप कंपनी का नाम डालो, डोमेन नेम, और वो उसका IP एड्रेस ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके ले आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंटरनेट के बारे में, और आप लोग आई गेस यंग जनरेशन हो और आप लोग इंटरनेट पे मेरे से ज़्यादा एक्टिव हो गए, हर किसी का फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना होगा, बना हुआ सबका, सो यू आर ऑन द कंज्यूमर साइड ऑफ इंटरनेट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोड्यूसर साइड ऑफ इंटरनेट, ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन डू एंटरप्रेन्योरशिप ऑन इंटरनेट। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। आप लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर का एक क्लिनिक है, क्लिनिक पे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, रोज के पेशेंट्स अटेंड कर रहा है, पेशेंट्स को मेडिसिन दे रहा है, बड़ा अच्छा सक्सेसफुल उसका बिजनेस चल रहा है, इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप? हाँ जी, एनीवन? देखने में लगता है कि ठीक है, डॉक्टर का बिजनेस है, अपना खुद का क्लिनिक है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, पैसे कमा रहा है, फाइन, ठीक है, पर दिस इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
कैसे पता लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है? क्योंकि जो वैल्यू डॉक्टर वहाँ क्लिनिक पे बैठ के दे रहा था, अगर वो डॉक्टर वहाँ पे नहीं है तो वो वैल्यू डिलीवर नहीं हो। जब डॉक्टर क्लिनिक पे नहीं है तो क्या पेशेंट्स आएंगे उस टाइम पे उसके पास? नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब डॉक्टर इज इम्प्लॉयड ऑन हिज ओन क्लिनिक, और जब तक वो वहाँ है तब तक वो पैसे कमा रहा है, जब वो वहाँ पे नहीं है तो वो पैसे नहीं कमा रहा। सो दिस इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप तब होगी जब वो डॉक्टर एक हॉस्पिटल खोलेगा, उस हॉस्पिटल में बाकी के डॉक्टर्स अपॉइंट करेगा, खुद चेयर पे बैठेगा, या हो सकता है हॉस्पिटल पे ना भी बैठा हो, उसकी प्रेजेंस में, उसकी एब्सेंस में हॉस्पिटल अपने पैसे कमा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इस एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली क्या क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस विद अ फोकस ऑन इनोवेशन। कौन कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप्स जो हैं वो सक्सेसफुल होती हैं? जो इनोवेशंस को फॉलो करती हैं, जो मेथड्स आप नए डिवाइस करते हो, जो नए मेथड्स डिजाइन करते हो, काम सेम है पर उसको बनाने का मेथड डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन, ठीक है। तो जो बिजनेसेस इनोवेशंस लेके आते हैं वो बिजनेसेस जल्दी फ्लरिश करते हैं। दूसरा, एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, आप एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकते। देन ग्रोथ इज द की टू एंटरप्रेन्योरशिप। आपको ग्रो करना है अपने एंटरप्रेन्योर को, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ये नहीं कि चलो ठीक है जी, आज दिहाड़ी पै गई 500-700 हज़ार रुपये कमा ले, चलो बस ठीक है, छुट्टी है। यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू अर्न, यू नीड टू हायर मोर एंड मोर पीपल, यू नीड टू केटर टू मोर एंड मोर फैमिलीज, ठीक है। ये ग्रोथ का जो अंदर जज्बा है ये अंदर होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट क्यों एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है? सबसे पहली इम्पॉर्टेंस, इट ड्राइव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप किसके लिए कमा रहे हो? आप सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हो। पर अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, 10 बंदे आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं, तो आप अपने साथ साथ उन 10 बंदों की फैमिली को भी पाल रहे हो, ठीक है। तो दिस इज अ बिग ड्राइवर फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स जॉब्स एंड इट फॉस्टर्स इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द वेब, तो आप इस दोनों टॉपिक्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब को और एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्यों वेब पे एंटरप्रेन्योरशिप है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। द फर्स्ट रीजन फॉर दैट इज ग्लोबल रीच। आप अपना कुछ भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, उसको एक शॉप में रख के बेचते हो, तो कितनी ऑडियंस आ जाएगी आपके पास? ज़्यादा से ज़्यादा मल्हे वाले, या आपके एक पर्टिकुलर लोकेलिटी वाले, या विद इन द सिटी। दूसरे सिटी से बहुत कम आपके पास ऑप्शन है। पर अगर आपने कुछ ग्लोबल बिजनेस शुरू किया है तो यू हैव द एक्सेस टू द ग्लोबल ऑडियंस। आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द वेब। दूसरा पॉइंट, नो बैरियर टू एंट्री। आपको इंटरनेट पे अपना कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ सेकेंड हैंड कंप्यूटर, 10-15 हज़ार रुपये का मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टार्ट बिल्डिंग योर थिंग्स, कुछ ऐप आपने वेबसाइट बनानी है, ऐप बनानी है, कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, स्टार्ट डूइंग दैट एंड यू विल बी इन टू द बिजनेस। तीसरा जो सबसे बड़ी इसमें एडवांटेज है, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू वर्क रिमोटली एंड मैनेज बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो आपको दुकान में बैठ के कमाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वहाँ पे बैठ के काम कर लोगे। आप छुट्टियाँ मनाने गए हो, कुल्लू मनाली, लैपटॉप ले जाओ, वहाँ से सेल डालते रहो, चलता रहेगा, ठीक है। सो दीज थ्री आर द की एडवांटेजेस ऑफ हैविंग द वेब बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंटरनेट पे काम करने के लिए। द फर्स्ट थिंग दैट इज ई कॉमर्स, दैट इज सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो दिस यू आर मोर फेमिलियर ऑलरेडी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपिफाई, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको ऑलरेडी पता है।
ये क्या है, इन पोर्टल्स पे अगर आपने काम करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीश प्रोडक्ट्स, लॉन्च एन ऑनलाइन स्टोर दैट स्पेशलाइज इन नीश प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स और यूनिक आइटम्स। साबुन तेल तो हर कोई बेच रहा है, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जब बिजनेस शुरू करना है तो आप लोग वो चीज़ ढूंढो जो कम मिलती है, उसकी डिमांड है, आप लोकल मार्केट में देखने जाते हो आपको मिल नहीं रही है पर वो चीज़ ऑनलाइन ही मिलनी है, तो उस चीज़ को प्रोक्योर करने की कोशिश करो और उस चीज़ को ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करो। अपने प्रोडक्ट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, यू कैन बिल्ड सम काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस। सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको बार बार रिपीटेडली जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो बच्चों के डाइपर्स हैं, ठीक है, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो डाइपर्स उनको पीरियोडिकली चाहिए होते हैं, हफ्ते में, 10 दिन में 15 दिन में। घर में साबुन तेल पीरियोडिकली चाहिए, घर में रिफाइंड ऑयल पीरियोडिकली चाहिए, तो इस तरह के आप क्यूरेशन बॉक्सेस या सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस बना के वहाँ पे बेच सकते हो। उसमें कस्टमर्स को बेनिफिट क्या मिलता है कि कस्टमर्स का टाइम बचता है, ठीक है। आपको 10 चीज़ें खरीदनी है, आप 15 चीज़ें सर्च करोगे और उसमें से 5 खरीदोगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अमेजोन पे पहली बार सर्च किया और पहली बार में फटाक से चीज़ खरीद ली, हुआ किसी के साथ? हाउ मच एवरेज टाइम डू यू स्पेंड ऑन अमेजोन फॉर बाइंग वन पर्टिकुलर स्मॉल थिंग? एवरेज टाइम कोई एक प्रोडक्ट खरीदना हो तो 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाता है, ठीक है ना। देर आर सो मेनी ऑप्शन अवेलेबल ओवर देयर और उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते करते अकेली अकेली चीज़ को आप अपने कार्ट में डालते जाओगे चूज करके, इट इज़ गोइंग टू वेस्ट योर एंटायर डे। आने वाले टाइम में जो टाइम है ना वही मनी है, जितना ज़्यादा आप टाइम अपना बचाओगे उतना ज़्यादा अर्न करोगे। तो इस तरह के ये जो सब्सक्रिप्शन बॉक्सेज हैं दीज आर गोइंग टू हेल्प द कस्टमर्स। कस्टमर्स ढूंढ रहे होंगे कि मेरे पास इस तरह का कस्टमाइज बॉक्स आना चाहिए, ये सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस आप बिल्डअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने किराने का अमेजोन पे काम खोल लिया और मैंने अपने 1 महीने की 2 महीने की 3 महीने की सेल्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया कि लोग क्या क्या चीज़ें इकट्ठी खरीद रहे हैं। लेट्स से जैसे सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें, चावल है, चीनी है, ये चीज़ें लोग इकट्ठी खरीदते हैं। तो वट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ कॉम्बो पैक ऑफ दीज आइटम्स एंड आई कैन ऑफर सम डिस्काउंट ऑन दिस। तो हर बंदा वो डिस्काउंट वाला कॉम्बो पैक खरीदेगा। ऐसा होता है ना कई बार हम लोग भी प्रोडक्ट एक खरीदना होता है पर कॉम्बो पैक देख लेते हैं और उसको जल्दी फटाफट बाय कर लेते हैं। तो ये मैंटेलिटी आपको थोड़ी सी बिल्ड करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आके अपने कॉम्बो पैक्स बनाओ या सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस बनाओ और इनको सेल करना शुरू करो। एक इसी में एग्जाम्पल दे देता हूँ। मुझे कॉफ़ी बड़ी पसंद थी और जो कॉफ़ी मैं पीता था वो यहाँ पे लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, अमेजोन पे सर्च किया, वहाँ पे वो कॉफ़ी मिल गई, मैंने वो बाय कर ली। उन्होंने मुझे इमीडिएटली ऑफ़र कर दिया कि आप इसको सब्सक्राइब कर लो एंड विल गिव यू 10% ऑफ। तो सब्सक्रिप्शन कैसे होगी, मेरे क्रेडिट कार्ड से वो ऑटोमेटिकली एवरी मंथ पैसे डिडक्ट करेंगे और वो हाफ के जी की बॉटल मुझे ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे। So I don't need to go to Amazon again and again to purchase that coffee and waste my time. वो ऑटोमेटिकली 25वें 26वें दिन Amazon ने शिप कर देनी है, पैसे मेरे अकाउंट से काट ले तो कॉफ़ी मेरे को उतार आए। फाइन, इस तरह की सर्विसेज जब आप Amazon पे शुरू करोगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हिट अर्निंग इन द मार्केट। तीसरा, ड्रॉप शिपिंग। किस किस को पता है इसके बारे में ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग क्या है कि माल मालकाना मशहूरी अपनी, सुना हुआ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कोई और है या किसी और के दुकान में पड़ा हुआ है, कस्टमर कोई और है, मैं बीच में खामखा कमीशन खाने के लिए बैठा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉप शिपिंग। जहाँ पे ये आप डायग्राम देख सकते हो ड्रॉप शिपिंग की, इसमें यहाँ पे एक साइड पे कस्टमर है, कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर पे ऑर्डर करेगा पर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पास ऑन दिस ऑर्डर टू द सेलर और द मैन्युफैक्चरर। वो सेलर या मैन्युफैक्चरर ऑटोमेटिकली वहाँ पे कस्टमर के एंड पे उस प्रोडक्ट को शिप कर देगा, ना गोडाउन का खर्चा, ठीक है। पैसे कस्टमर ने आपको एडवांस दिए, वो एडवांस पैसे ही आपने आगे पास ऑन कर दिए अपनी कमीशन रख के,
ठीक है, माल पहुंचया नहीं पहुंचया वो सिंपली वो स्टोर वाले दी है तेरे माल पे गया, तो कस्टमर आपस में जो इंटरेक्ट कर दे रहे आपने सिर्फ अपनी कमाई लेके बाहर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉप शिपिंग। तो इस तरह की जो ड्रॉप शिपिंग है ये चाइना से बहुत चलती है आजकल। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे चाइना से आप उसको बाय कर लो, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू आप कस्टमर को भेज सकते हो। सेकेंड कैटेगरी है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। ये कैटेगरी भी आजकल बहुत पॉपुलर है स्पेशली यूथ में। इस कैटेगरी में सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्लॉगिंग। यू नीड टू क्रिएट अ ब्लॉग अराउंड स्पेसिफिक नीश और मोनेटाइज थ्रू एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सर्ड कंटेंट। आप लोग ब्लॉग बनाना शुरू करो, ब्लॉग लिखना शुरू करो। आजकल ब्लॉग की जगह से ब्लॉग का जमाना जा रहा है, ठीक है। ब्लॉग्स क्या है बेसिकली, दीज आर द रिटन कंटेंट। कुछ लोग चीज़ों को पढ़ के ज़्यादा इन्जॉय करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग उसको विजुअली देख के ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो फॉर दोज हु आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉर देम यू कैन क्रिएट अ ब्लॉग। उस ब्लॉग पे आप किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, एंड साइड बाई साइड यू कैन क्रिएट लिंक्स टू सेल द रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप खुद के प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गिव द लिंक्स टू द अदर वेबसाइट्स हु आर सेलिंग दैट, तो आपको कमीशन ऑटोमेटिकली वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड कैटेगरी ब्लॉगिंग के लिए यूट्यूब चैनल, ये सबको पता है आजकल। यूट्यूब पे यू कैन अर्न रेवेन्यू थ्रू योर वीडियोस, और उन वीडियोस के साथ जो जो एड्स डिस्प्ले होती रहती है सारे, उन एड्स से भी आपको पैसे मिलेंगे। और अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाते हो, सपोज ताजमहल चाय वालों ने आपको दे दिया ऑर्डर की, ठीक है, चाय के बारे में कुछ बोलो, आपने कुछ क्रिएटिविटी सोच के कोई वीडियो बना ली और वो वीडियो अपलोड कर दी, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी व्यूज यू गेट, यू विल बी पेड बाय द हिंदुस्तान लीवर और यू विल बी पेड बाय द यूट्यूब, दोनों ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तीसरा ट्रेंड अब बहुत फास्ट चल रहा है आजकल इंडिया में, फॉरन में तो काफ़ी देर से है, एक पॉडकास्ट का। दो बंदे बैठते हैं आपस में, कुछ डिस्कशन शुरू करते हैं पॉडकास्ट पे, एक बार वो डिस्कशन करते करते वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर देते हैं या अपने विचार को आपके सामने रख देते हैं, ठीक है। एंड थ्रू दैट आल्सो यू कैन गेट मनी, आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती हैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। आपके पॉडकास्ट पे जितने ऑडियंस आ रही है उसके हिसाब से आपको पॉडकास्ट के प्रोवाइडर के थ्रू भी पैसे मिल सकते हैं, एंड सो मेनी ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। लिसनर्स से आप डोनेशन भेज सकते हो, अगली कैटेगरी ऑनलाइन कोर्सेज एंड कोचिंग। यू कैन क्रिएट एजुकेशनल कंटेंट, देर आर सर्टन वेबसाइट्स लाइक यूडेमी एंड टीचेबल एटसेट्रा, इन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। आप लोग आज घर जाके यूडमी पे कोई एक एआई का कोर्स देखना, ठीक है, एंड यू विल फाइंड दैट कोर्स इज अवेलेबल फॉर लेट से 3,000 to 4,000, 3-4,000 रुपये हम लोग अफोर्ड कर लेते, चलो ठीक है जी, 2-3 महीने का कोर्स है, 4,000 रुपये में हो रहा है, तो वेरी गुड। पर आप एक चीज़ नोटिस करना, उसके साथ में उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं उस कोर्स के। अगर 3,00,000 बंदों ने भी उस कोर्स को परचेज कर लिया, 4,000 रुपये का एक कोर्स हुआ, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, मेरे को बस जीरो भी नहीं काउंट करनी आती कि कितना वो आदमी कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट द कोर्सेज, यू कैन अपलोड दोज कोर्सेज ऑन दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स, यूडेमी, टीचेबल, कोर्सेरा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो, खान अकेडमी है, आप कोर्सेज अपलोड करके वहाँ पे सेल करो। ट्यूटरिंग, ऑडर क्लासेस के बारे में सुना है आप लोग, फिर फेसबुक नहीं देखते मतलब किस किस का फेसबुक अकाउंट है, बहुत ऐड जाती है, शायद मेरे बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मुझे ऑडर क्लासेस ज़्यादा ऐड दिखती, ठीक है।
ठीक है, ऑडा क्लासेस में क्या है बेसिकली, दे हैव स्टार्टेड एन ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपके बच्चों को ऑनलाइन वन टू वन ट्यूटर मिल जाते हैं, ठीक है, वन टू वन भी मिल जाते हैं, ग्रुप पे भी वो लोग ट्यूशंस देते हैं, 3-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, और ऑनलाइन आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर वहाँ पे ट्यूशंस दे सकते हो, जैसे आपकी साइंस अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी है, तो यू कैन जॉइन समबडी लाइक ऑडा क्लासेस और वहाँ पे आप अपने ट्यूशंस देनी शुरू कर सकते हो, ठीक है। जब आप लोग और एडवांस स्टेज पे जाओगे तो यू कैन क्रिएट अ प्लेटफॉर्म लाइक ऑडा क्लासेस, अभी आपका मैं बोलता हूँ। तीसरा, कोचिंग प्रोवाइड वन टू वन और ग्रुप कोचिंग इन एरियाज लाइक बिजनेस, फिटनेस, एक्सपर्टिटी डेवलपमेंट, ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। आप सेशंस रख सकते हो वीकेंड पे कि मैं ये वाली चीज़ करवा रहा हूँ, और वीकेंड पे लोग आपको ऑनलाइन पे करके आपके उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? इंटरेस्टिंग। क्या कभी आपने पहले कभी ये एवेन्यू सोचा था? ओनली वन। एक और काम आजकल बहुत चल रहा है, कनेडे वाले यहाँ पर, ठीक है, वो कनेडा जो केस लिखते हैं ना, ये वो वाले कनेडा वाले हैं जो यहाँ पे काम भी लिखते हैं, यहाँ से वो जाते हैं स्टडी करने के लिए, और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, उन्होंने टैक्सी चलानी है, ठीक है, होटल्स में वो काम करते हैं, वेटर्स का, शेफ का, या और लो लेवल जॉब, या मे बी हाई क्वालिटी जॉब भी करते होंगे हो सकता है। तो जब वो लोग जॉब में होते हैं तो उनको असाइनमेंट्स करने का टाइम नहीं मिलता। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आपको टाइम पे असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, सबमिशन देनी पड़ेगी, तभी आपके नंबर लगेंगे, तभी आप प्रमोट होगे, अगली क्लास में जाओगे, और अगर प्रमोट नहीं हुए, फेल हो गए, तो या घर वापसी, नहीं तो फिर सप्ली के लिए 7 लाख रुपए लग से फिर से मिलते। सो व्हाट दे डू, वो वहाँ से असाइनमेंट्स सॉल्व करके अपना एक घंटा वेस्ट नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि एक घंटे में मैं यहाँ पे 2,000-3,000 रुपये कमा लूँगा, 500 रुपये देके इंडिया से सॉल्व करा लो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दे लुक आउट फॉर टीचर्स और द असाइनमेंट कंप्लीटर्स, जो उनकी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके वहाँ पे उनको वापस भेज सके। कई बार हम लोगों के पास भी ऐसी ऑप्शंस आती है, बच्चे कॉल करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, बड़े भी गए हुए हैं, तो फिर हम लोग अच्छे बोलते हैं उनको, अच्छा तुझसे डॉलर कमाने गए हुए हैं, चलो अपने आप अपने असाइनमेंट। नेक्स्ट, यू कैन डेवलप सॉफ्टवेयर एंड एप्स, अभी तो आपकी वो स्टेज नहीं है, बट यू कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है, हो सकता है। वैसे कई तो ऐसे, हमने एक लास्ट ईयर एंटरप्रेन्योर बुलाया था, वो लड़का 8th में पढ़ता था, निधांश गुप्ता, एंड ही इज सीईओ ऑफ अ कंपनी, और वो खुद सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, जलंधर का ही, ठीक है, यू माइट हैव सीन हिज नेम इन वेरियस न्यूज़पेपर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसने बनाया, तो उसको भी बुलाएंगे कभी, आपसे इंटरेक्ट करवाएंगे। सॉफ्टवेयर में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सुना हुआ आपने, सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आप लोग सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करोगे, आप हर महीने उसकी सब्सक्रिप्शन दोगे, ठीक है, नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन प्राइम वगैरह, ये सारे के सारे, ये तो चलो कॉन्टेंट के है ना, तो इसमें आपको मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे लेना पड़ता है, बट देर आर सर्टन सर्विसेज अवेलेबल विच आर अवेलेबल ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस, जैसे ये एक ज़ोहो बुक्स है, बिजनेस अकाउंटिंग के लिए, इनवॉइसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है ये, और इस बंदे का जो नाम है वो फोर्ड के टॉप 50 में शामिल है, इंडिया का बंदा है, श्रीधर वेम्बूर, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में नॉट शहर में, गांव में इसने अपनी वर्कफोर्स तैयार की, इसके पास 1,000 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर हैं, टेक्निकल उस गांव में रहते हैं, वहीं पे उस कंपनी में वो लोग काम करते हैं, और फोर्ब्स की टॉप 50 कंपनीज में इसका नाम है, आईटी कंपनीज में सबसे बड़ा टैक्स पेयर आजकल ये बना, ज़ोहो बुक्स इंडियन है, एंटरप्रेन्योर है, जॉब छोड़ के इसने अपना काम शुरू किया, तो यू कैन सी द पोटेंशियल। देन मोबाइल ऐप्स, यू कैन क्रिएट मोबाइल ऐप्स, आप लोग देखते हो मोबाइल ऐप्स, ठीक है, ये किस किस को पता है, B612 रेज योर हैंड, ये सारे सेल्फी एंथुसियास्ट नहीं नहीं ओके, सो दिस इज एन एप्लीकेशन जो मेरे जैसे बंदे का बड़ा ब्यूटीफुल सा फेस बना के
प्रेजेंट कर सकती है. सो यू कैन डिजाइन सच काइंड ऑफ ऐप. देन देयर इज एन ऐप कॉल्ड कैनवा. ये हम जितने पोस्टर्स बनाते हैं कॉलेज के, जनरली ये सारे के सारे पोस्टर्स कैनवा में बने हुए हैं. ठीक है. एंड देन ये आप सबको पता होगा बॉयज को स्पेशली ड्रीम इलेवन बड़ी ऐड आती है. तो ये भी तो ऐप ही तो है. इस ऐप से वो लोग कितना कमा रहे हैं. जो खेल रहे हैं वो पता नहीं कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं. जो खिला रहे हैं वो तो डेफिनेटली कमा ही रहे हैं. Then you can develop web tools and sell those web tools on internet or on subscription basis also. ठीक है. जैसे ये Boomly app है. This is for creating animations. जैसे आपने कोई अपनी introduction video बनानी है, आपने कोई अपना business शुरू किया है, तो उस business की introduction video बना के आप YouTube पे डालना चाहते हैं, तो वो videos यहाँ पे without involving any software animator आप ये Boomly से खुद एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो. इट इज सो इजी. इसका एक और छोटा भाई भी है Toonly. वो 2D में काम करता है या 3D में काम करता है. ठीक है. टून्स के थ्रू वो एनिमेशंस बनाते हैं, कार्टून्स के थ्रू उन्होंने एनिमेशंस को प्रेजेंट करते हैं. जैसे अभी थोड़ी देर इससे पहले कुछ एक स्लाइड में कार्टून बना हुआ था ना, यहाँ पे दिखाया था जो मैंने प्रिंटर उठा के, वो कार्टून उसी से बने हुए थे. ड्रॉप शिपिंग का जो आई कार्टून था. तो ये Boomly, Toonly वगैरह इस तरह के टूल्स यूज़ करके आप अपने बिजनेस के लिए प्रमोशनल वीडियोस इजीली क्रिएट कर सकते हो. एंड ऑन द अदर साइड यू कैन क्रिएट सच प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोवाइड दी सर्विसेज टू अदर्स आल्सो. ठीक है. पर वो स्टेज अभी तो लेटर स्टेज पे है. देन एक ये बड़ी अच्छी वेबसाइट मैंने देखी, रैंगनी. कुछ दिन पहले मेरे को एक पोस्टर प्रिंट करवाना था इतने बड़े साइज का, और जो फोटोज़ थी उनकी क्वालिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी थी. हम लोग घूमने गए थे, वहाँ से वापस आए तो मेरे को लगा कि याद होनी चाहिए हमारे पास. तो मैं वो फोटोग्राफर के पास गया, उसको बोला कि ये कर दो. उसने जूम करके दिखा कहता सर पिक्सल्स फट रहे हैं, इसको ठीक कर दो. मैं कर दे. अब मैं घर पे अगर उसको ठीक करता तो मैं फोटोशॉप लगाता, उस पर टाइम स्पेंड करके उस फोटो को इम्प्रूव करता. उसने क्या किया, एक वेबसाइट खोली Remini.com, REMINI. उस वेबसाइट पर उसने फोटो अपलोड कर दी, फटाक से सारे ने शक्लें चेंज कर दी, सारे पिंपल वगैरह क्लियर बिल्कुल फौरन स्टाइल था वो निकाल कर आके और एक जैकी जी फोटो बना दी सर. ठीक है. एंड दैट इज ऑल विद द हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसने देखा फीचर्स, उसने वही रखे आंखों का साइज, ठीक है, कान नाक पोजीशन वही, सिर्फ उसने स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव कर दिया, कलर इम्प्रूव कर दिया. ठीक है. कपड़ों की ब्राइटनेस सेचुरेशन बढ़ा दी उसने, और वो फोटोज ऐसी लगती हैं जैसे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से निकाली हैं. तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस टूल. अभी आपको नेट अगर चलता होगा ना इस पर तो मैं दिखा दूंगा इसको. इस तरह की आप वेबसाइट्स बना के वहाँ से यू कैन अर्न गुड रेवेन्यू. अब मैंने क्या किया, वहाँ पे वो देख ली उसकी Remini. अब घर आके अंदर कीड़ा जागा कि हाँ मैं अपनी बाकी की फोटो में भी ठीक कर लेता हूँ. मैंने वो खोली वेबसाइट, वहाँ पे फोटो अपलोड करी, उसने फोटो ठीक कर दी. मैंने कहा डाउनलोड करो, वो कहता पैसे दो. उसके लिए यू हैव टू पे सब्सक्रिप्शन फी $50 वो मांग रहा था. $50 मतलब 4,000 रुपये, और 1 मंथ के लिए वो सब्सक्रिप्शन वैलिड है. वो मैं तब बाय करूँगा अगर मेरे को रूटीन में काम आता, मैंने कोई अपनी पर्सनल डिजिटल लैब खोली है, तो देन इट इज़ हेल्पफुल फॉर मी. अदरवाइज 4,000 रुपये तो मैं इसकी बजाय मैं 800 रुपये में नाल दोस्तों ना प्रिंट करा लूँगा उसको देखे, वो ज़्यादा बेटर. नेक्स्ट एफिलिएट मार्केटिंग. किस किस को पता है CouponDunia.com के बारे में? CouponDunia.com एक वेबसाइट है, नहीं पता. इसका मतलब आप लोग बहुत महंगी चीज़ें खरीदते हो. CouponDunia.com वहाँ पे आपको सारी वेबसाइट्स के कूपन मिल जाते हैं, और वो कूपन लगा के आप पर खरीदी करते हो तो आपको लेस मिलता है. एफिलिएट मार्केटिंग है, उसमें कूपन दुनिया वालों को भी कमीशन मिलती है और लोगों को भी सामान सस्ता मिल जाता है. हाँ जी, वो तो वो जो प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे वो प्लेटफॉर्म के कूपन वहीं पे अवेलेबल होते हैं. कुछ कूपन हिडन या सीक्रेट कूपन भी होते हैं, वो प्लेटफॉर्म वाले वहाँ पे लोगों को जनरली नहीं देते. वो ऐसे कूपन वहाँ पे मिल जाते हैं कूपन दुनिया. चलो लेट्स कम टू दिस एफिलिएट मार्केटिंग. इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू द प्रोडक्ट रिव्यू. प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो कमीशन के बेसिस पे या रेफरल लिंक पे. जैसे सपोज करो मैंने एक ब्लॉग क्रिएट किया, ब्लॉग पे मैंने ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्या किया, मैंने मेक माई ट्रिप वालों का एक लिंक लगा दिया.
ठीक है, कि अगर आपने इस जगह पे जाना है तो यहाँ पे आप होटल बुकिंग करा सकते हो ना, वो वेबसाइट मेरी मेक माई ट्रिप ना वो होटल मेरा, ठीक है, मैंने सिर्फ एक लिंक दिया, जब उस लिंक पे क्लिक करके बंदा मेक माई ट्रिप पे गया, मेक माई ट्रिप ने नोट कर लिया कि ये रजीव के ब्लॉग से आया है, तो इसकी जो सेल होएगी उसमें से 10% रजीव को जाना, दिस इज कॉल्ड एज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, सब पे सब पे है ये। देन कंपैरिजन वेबसाइट्स, कई बार बीच में ट्रैक लूज हो जाता है। कंपेयर वेबसाइट्स, आप लोग मोबाइल फोन परचेज करते हो, कहाँ पे कंपेयर करते हो मोबाइल्स के बारे में? gadget360.com पे, और देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड gsimarina.com, वहाँ पे अपकमिंग फोन भी मिल जाते हैं आपको, कौन कौन से आ रहे हैं, किस प्राइस बैंड में आ रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, सो ऑन, वहाँ पे साइड बाय साइड आप इस तरह से कंपैरिजन बना सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट दीज टाइप ऑफ वेबसाइट्स एंड अर्न मनी फ्रॉम दैट, अपने खुद की वेबसाइट बनाओ, करना क्या है, प्रोडक्ट किसका है, Xiaomi का है, ये भी Xiaomi का है, दो प्रोडक्ट थर्ड पार्टी दे है, कंपेयर करके मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर बनाते ना, वो एड्स लगा दी अपनी, एंड आई एम गेटिंग मनी। फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ही आना है, ठीक है, तो नहीं जिगरा रख दे, क्योंकि वो तीन डेट्स आपने मिसिंग है जो स्टार्टिंग में बताए थे, कौन कौन से, इनोवेशन नहीं है, ठीक है, ग्रोथ की आप में इतनी इच्छा नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, तो फिर ठीक है, चलो मैं अपने लिए दाल फुल्का तो कर ही लेंगे ना आपका, तो देन यू कैन गो फॉर दिस फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क, देर आर मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल विच ऑफर द फ्रीलांसिंग टाइप ऑफ वर्क, किस किस टाइप का फ्रीलांसिंग काम आप कर सकते हो, यू कैन डू कंसल्टिंग, ऑफर योर एक्सपर्टीज इन द एरियाज ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और व्हाटएवर, ठीक है, देर आर वेबसाइट्स लाइक elance.com, ELANCE, elance.com, freelancer.com, rentacoder.com, ठीक है, और एक और वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, अर्बन क्लैब, सुना हुआ अर्बन क्लैब के बारे में, ठीक है, तो ये सारे की सारी इसी तरह की ये काम करते हैं, इसमें क्या क्या अवेन्यूज है, पहला है कंसल्टिंग का, कि आपको कुछ कंसल्टेशन लेनी है तो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रीलांसिंग, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, एक और था ऑनलाइन लॉ फॉर्म्स डॉट कॉम, ऐसे करके कुछ थी वेबसाइट, वहाँ पे आप अपने लीगल ओपिनियंस भी ले सकते हो, कोई आपको चाहिए हो तो, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग लॉयर्स हायर करके रखे हुए हैं, उनके रेट्स स्पेसिफाई किए हुए हैं कि दिस लॉयर दिस मच नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इतने केसेस जीते हैं, इतने केसेस इसने हारे हैं, और उसका आवरली प्राइस ये है कंसल्ट, तो आप उसको हायर करके और वहाँ से अपने केस के बारे में डिस्कशन ये कर सकते हो। देन फ्रीलांस राइटिंग, लोगों के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है, आजकल ये काम बहुत चल रहा है, मैं ब्लॉग शुरू करना चाहता हूँ, मुझे ब्लॉग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है पर मुझे लिखना नहीं आता, तो क्या करें, ठीक है, फिर लिखने वाले बंदे हायर कर लो, ठीक है, फ्रीलांसर्स आर अवेलेबल, वहाँ से आप लिखने वाले बंदे हायर कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट मेक्स अ गुड फ्रीलांस राइटिंग नीश, बजट, कैन क्लाइंट्स इन दैट इंडस्ट्री अफोर्ड टू पे राइटर्स, आपको ये देखना है कि अब आपने लिखना क्या है, ठीक है, उसके लिए आपको ये चार कंस्ट्रेंट देखने पड़ेंगे, पहला बजट, कि जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको कितनी रिसर्च करनी पड़ी और उस रिसर्च के लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ठीक है, अगर लोग तैयार हैं तो देन यू शुड राइट, अदरवाइज यू नीड टू चेंज द टॉपिक। डिमांड, जो चीज़ आप लिख रहे हो क्या उसकी डिमांड है मार्केट में कि नहीं, एम फालतू के पीछे तुम्हें कुछ कहानियाँ लिखी जाओ, ठीक है, और कोई ना बाय करेगा ना उनको पढ़ेगा तो फिर फायदा कोई नहीं, तो ये चीज़ आपने देखनी है। टैलेंट, डू यू हैव द
the natural talent for writing in that particular domain, flair है आपके अंदर वो writing का भी नहीं, अगर flair है तो भी आप उसको लिखो, otherwise say suppose करो मैं technical बंदा हूँ और मेरे को कोई writing का काम दे देते हैं कि sports के ऊपर लिखो, मेरी जाने बला कि football में कितने बंदे होते हैं या hockey में कितने players, ठीक है technically मेरे से जो मर्जी पूछ लो उसके बारे में मैं लिख सकता हूँ, तो आपको वो काम चेंज चूज करना है जिसमें आपका टैलेंट है. Then you need to identify the skill जो आपके पास तो है पर दूसरों के पास नहीं है, but others do not have. कोई ऐसी यूनिक चीज अगर आप प्रोवाइड करोगे तभी कस्टमर्स आपके पास जुड़ेंगे, अगर आप वही रन ऑफ द मिल हर कोई बंदा जो काम कर रहा है वही करी जाओगे तो कस्टमर्स आपके पास नहीं है. ग्राफिक डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये भी काम आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत चल रहा है ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, ठीक है. मैं एक सर्टिफिकेट सामने कुछ प्रिंट कराने थे कॉलेज के लिए, तो किसी ऐसी प्रिंटिंग वाले के पास नहीं गया, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बैंगलोर से उसके पास डिजाइनिंग का ऑर्डर आया हुआ था, वो वहाँ पे बताता जा रहा है कि ये कॉपी के ऊपर ये लाइन कैसे लिखनी है, इसको पेज नंबर ऐसे करना है, फॉन्ट ये कर दो वो कर दो, उसने वो चेंज किया करके वो बैंगलोर भेज दिया. ठीक है, वो कहता है कि ये तो जी बैंगलोर का था मेरे पास, तो यूएस से कनाडा से और इधर उधर से और भी ऑर्डर करते हैं. तो यू कैन एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी के यू कैन डू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड नॉट ओनली ऑन फॉर द बोथ बैनर्स एंड पोस्टर्स, यू कैन गो फॉर द वेबसाइट्स ऑल्सो. ये थोड़ा सा इजी काम है, आप लोग कोई भी वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स परचेज कर लो यूडेमी से या कोई और किसी वेबसाइट से एंड यू स्टार्ट लर्निंग दैट, अपनी एक हैबिट बना लो कि रोज़ एक घंटा मैंने पढ़ना है या मैंने सीखना है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, तो डेफिनेटली आप लोग एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर वेबसाइट सीख जाओगे. आप लोग यंग हो, लर्निंग एबिलिटी आप लोगों की हम लोगों से ज़्यादा है, ठीक है. जो चीज़ हम लोग 20 दिन में सीखेंगे आप लोग 10 दिन में सीख जाओगे. कुछ ना कुछ एम बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो. बाय द वे कॉलेज में भी कोर्स चल रहा है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट, एड ऑन कोर्स है, इट इज़ ऑफ 30 डेज ड्यूरेशन, सुबह 8 से 9 बजे होएगा, और एक AI का भी कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट, इट इज़ ओपन फॉर ऑल क्लासेस. देन वर्चुअल इवेंट्स एंड वेबिनार्स, ऑनलाइन वर्कशॉप्स आप होस्ट कर सकते हो, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज आप होस्ट कर सकते हो, नेटवर्किंग इवेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो. इसकी कुछ एक एग्जांपल्स ये मैंने लिखी है नीचे. जूम प्लेटफॉर्म सबको पता है, कोविड में सबको सिखा दिया कोविड में, ठीक है. वेबएक्स सबको पता है, ये भी जूम की तरह ही है, ठीक है. ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स के लिए यूज करते हैं. गूगल मीट सबको पता है. ब्लू जींस ये भी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है. ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म आपको किसी सर ये तो फ्री में दे रहे हैं सर्विसेज, कोई भी कुछ चार्ज नहीं कर रहा, तो फिर ये लोग कमाते कहाँ से हैं? दे आर अर्निंग फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसेस से अर्न कर रहे हैं. अब जैसे कॉलेज को कोई सेमिनार होस्ट करना है जिसमें 200 पार्टिसिपेंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जूम की तो लिमिट है 100 की, वो अलाउ ही नहीं करेगा. फॉर 200 पार्टिसिपेंट्स यू हैव टू पे टू जूम फॉर अस ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, आपको कुछ महीने के लिए पे करना पड़ेगा मंथली बेसिस के ऊपर, तभी आप कर सकते हो. ऐसे ही वेबएक्स में ही गूगल मीट में कुछ एक बेसिक सर्विसेज फ्री हैं, पर अगर आपको एडवांस सर्विसेज चाहिए लाइक यू नीड टू रिकॉर्ड योर लेक्चर्स, तो वो गूगल मीट के फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है. एंड दैट इज द थिंग फ्रॉम वेयर दे आर अर्निंग, एंड दे आर अर्निंग अ ह्यूज. सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये भी सबको पता होगा. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, यू कैन पार्टनर विद द ब्रांड्स टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अब ये बीच में इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी एक नेटवर्क नया आ गया है जो इन्फ्लुएंसर्स को बिजनेसेस के साथ जोड़ता है, ना बिजनेस अपना ना इन्फ्लुएंसर अपना, तुम्हें बेचारी खान का कमीशन दे दिया, ठीक है. पर बिजनेसेस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर्स को जाके डायरेक्टली अप्रोच कर सकें, इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्टली जाके बिजनेस हाउसेस का दरवाज़ा खड़काएंगे, वो कहेंगे ये तो वेला में आ गया फंस जा, तो बीच में वो हाइप क्रिएट करने के लिए आपके जैसे लोग होंगे जो बिजनेसेस को इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, ठीक है. तो कोलैबोरेशन आप करवा सकते हो. यू कैन डू सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इलेक्शंस के दिनों में तो इसकी बहुत डिमांड थी,
सोशल मीडिया में जो मिल रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी हाइप्स क्रिएट करने के लिए, कंटेंट क्रिएशन, ये कुछ एक चीजें ना ओवरलैपिंग है इसमें अलग अलग डोमेन्स में, जैसे ब्लॉग में भी कंटेंट क्रिएशन थी, यूट्यूब में भी कंटेंट क्रिएशन है, यहाँ पे भी, सोशल मीडिया पे भी कंटेंट क्रिएशन है। सो इफ समबडी इज गुड इन वन थिंग तो वो तीनों चीजों को कोलैबोरेट करके दे कैन एस्टैब्लिश देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप, अपना वो बिजनेस पूरा खड़ा कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस, अगेन हॉट टॉपिक दीज डेज। देर आर वर्कआउट प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन एप्स, आप लोगों के पास स्मार्ट वॉच सबके पास होगी, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के पास है, ठीक है। इसमें वो आपके वर्कआउट्स को ट्रैक करता है, आपने कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़ी, कितनी बार उतरे, कितनी आपने रनिंग करी, स्किपिंग करी एंड सो ऑन, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें मैं अनगाइडेड कर रहा हूँ। द ऐप दैट बिलोंग्स टू दैट अटैचेस टू दिस स्मार्ट वॉच, दैट ऐप ऑफर्स दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम, जो स्पेशलाइज्ड वर्कआउट्स बताते हैं, ठीक है। दे विल आस्क मी अबाउट माई हाइट एंड वेट, माई, दे विल कैलकुलेट माई BMI, उसके हिसाब से दे विल गाइड मी द डिफरेंट एक्सरसाइजेज। वो मेरे से पूछेगी कि आपका गोल क्या है, ठीक है, हाइट गेन करनी है, टमी रिड्यूस करनी है, वेट गेन करना है या क्या करना है, उसके हिसाब से वो आपको एक्सरसाइजेज और डाइट्स वगैरह सजेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें जो है ये फिटनेस प्रोग्राम वगैरह आपको प्रोवाइड कर सकते हो इंटरनेट। देन मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, ऑनलाइन काउंसलिंग आजकल बहुत चल रही है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स आपको साइकोलॉजिस्ट से किसी से लेनी हो तो 10-15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट देते हैं, चाहे वेले बैठे मक्खियाँ मार दें, बट दे हैव क्रिएटेड हाइप, ठीक है, और उसी हाइप पे आपने भी राइड लेनी है। आप लोग अपनी कोई ऐप डिज़ाइन कर सकते हो, उस ऐप में आप डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को हायर कर सकते हो फॉर कंसल्टेशन, ठीक है। लोगों के पास ऐप जाएगी, वहाँ से वो देखेंगे अपनी प्रॉब्लम, कौन से डॉक्टर से या कौन से साइकोलॉजिस्ट की ज़्यादा क्लाइंटल है या क्या है, उसके हिसाब से वो लोग चूज़ कर सकते हैं एंड दे कैन गेट बेनिफिट। तो ये एक वेबसाइट है, थेरेपी करो ऐप है, यू कैन गेट दिस ऐप ऑन योर मोबाइल फ़ोन और वहाँ से आप ये डिफरेंट कंसल्टेशन ले सकते हो। देन न्यूट्रिशन गाइड्स, ये भी हमारी सिटी में बहुत चल रहा है आजकल, ऐप बेस्ड न्यूट्रिशन, तो आप ऐप सब्सक्राइब करो, वहाँ पे ऐप को वो डेली एक्सरसाइजेज बताएंगे, आपको फूड के बारे में बताएंगे कि सुबह आपने नाश्ते में ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, रात को ये खाना है, और कुछ एक ऐप्स तो ऐसी हैं जो खाना भेजती भी हैं डिलीवर बाई मील टाइप की, वहाँ पे वो स्पेशलाइज खाना ही उन्होंने उस डाइट के हिसाब से बनाया हुआ है कि इस बंदे ने वेट लॉस करना है तो ये वाला खाना। तो इस तरह की ऐप्स आप अपनी बना सकते हो और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स फॉरन में बहुत पॉपुलर हैं ये, यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन स्टोर फॉर क्रिएटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इनको सेल करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ग्रीन कंसल्टिंग आप कर सकते हो, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, आई एम नॉट गोइंग टू कितने की खरीदी, तो दीज आर बेसिकली नॉन फ्यूजिटिव नॉन फंजिबल टोकन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हर टोकन के साथ एक यूनिक आईडी एसोसिएटेड होता है, जैसे स्टैम्प्स कलेक्टर नहीं होते, तो वैसे ही NFT कलेक्टर है, ये बड़ा ट्रेंड आजकल यूथ में बहुत चल रहा है। डिजिटल आइटम्स क्रिएट करो और वो आप बाय कर सकते हो, एंड देन यू कैन बोस्ट अबाउट इट ऑन योर वेबसाइट कि ये मेरे पास है। आई हैव अ फ्यू सक्सेस स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु डिड थिंग्स ऑन इंटरनेट, जो वो बुक्स मैंने आपको बता दिया, अमेजॉन है, ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया था अमेजॉन ने और आज देखो कहाँ से इसका बिजनेस है। ऊबर ने आइडेंटिफाई की लोगों की प्रॉब्लम और उन्होंने ऐप डिज़ाइन कर दी, ठीक है, और आप लोग ऊबर और ओला कितना यूज कर रहे हो आज। Airbnb ओयो की तरह है ये, ठीक है, ना होटल अपना ना कुछ से, पर फिर भी दे आर अर्निंग मनी। जोमेटो
छोटे से लेके बड़े किचन तक रेस्टोरेंट्स को इन्होंने केटर करना शुरू कर दिया और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। लोग डिलीवरी एजेंट्स नहीं रख सकते थे, जोमेटो ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने बोला चलो आप खाना पकाओ, डिलीवरी पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। एंड दे डिजाइन दिस ऐप एंड एवरीबडी नाउअडेज स्पेंडिंग ह्यूज ऑन जोमेटो, लोगों की बाइंग हैबिट्स ये जो है। स्विगी भी इसी कैटेगरी में है, ब्लिंकिट भी इसी कैटेगरी में है। रैपिडो के बारे में पता है? Yes, आपने है जलंधर में रैपिडो के? Yes, मैंने सुना था, मैं गुड़गांव गया था एक बार अपने सिस्टर के यहाँ, तो वहाँ पे वो जैसे कोई टिफिन घर पे भूल गया तो रैपिडो कॉल करके रैपिडो वाले को बोलते थे कि ये टिफिन वहाँ पे छोड़ के आना, वो छोड़ रखता था। तो इस तरह की चीज़ें ये इनोवेटिव जो है ऑलरेडी पे एक ये लास्ट में लिखा था BTW, इसके बारे में पता है किसी को? BTW बहुत पॉपुलर है, नाम सुनोगे तो हंसोगे, बिट्टू टिक्की वाला। ही इज हैविंग हिज टिक्की चेन इन 16 सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। एक बंदा ये था, टीचर था, ये टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के अपने गांव से दिल्ली में आ गया और वहां पे इसने और इसके फ्रेंड ने ट्रेडिंग शुरू करी टिक्की का, और वो रेडी से ग्रो करके ऑनलाइन इसने ऐप बनाई टिकट डिलीवरी की और वो ग्रो करके अब 16 शहरों में टिकट डिलीवर कर रहा है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, उसको करने का तरीका जो है वो छोटा बड़ा होता है। दीज आर 102 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। यूनिकॉर्न्स कौन होते हैं? जिनकी टर्नओवर 10 बिलियन डॉलर। कितने? 10 बिलियन डॉलर से ऊपर जितनी टर्नओवर है वो आर यूनिकॉर्न्स। 102 हो गए ये, ठीक है। दिस नंबर हैज राइजन इन लास्ट 4-5 इयर्स, पहले 3 या 4 होते थे, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दीज आर नोन टू यू? इन वो भी मुझे पता है, पे पता है, ग्रीन इलेवन पता है, बायजूस पता है, फ्लिपकार्ट पता है, भारत पे, ओला, ओयो, जोमेटो, कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर डाला है, तो तभी ये लोग यूनिकॉर्न बन पाए। स्टेप्स टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, बहुत कुछ हो गया अपन डिस्कस कर रहे हैं, बस आ वाला कर सकते हैं, आ वाला कर सकते हैं, आ वाला कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर वो शुरू के नहीं करते। आइडेंटिफाई योर नीश। आपको जब भी अपना बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है। मार्केट की डिमांड जिस चीज़ की है मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल करना है, जिसकी डिमांड नहीं है वो प्रोडक्ट सेल करने का कोई फायदा नहीं। क्रिएट अ बिजनेस प्लान, आउटलाइन योर बिजनेस गोल्स, टारगेट ऑडियंस एंड मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज, बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस यूजिंग सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स या व्हाटएवर यू हैव। देन यू नीड टू मार्केट योर बिजनेस यूजिंग SEO, पे पर कैंपेन भी आप लगा सकते हो, कॉन्टेंट मार्केटिंग कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू मॉनिटर एंड अडैप्ट, जो जो चेंजेस बिजनेस की मार्केट में आ रही हैं उसके हिसाब से आपको वो देखना है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अडैप्ट करना। चैलेंजेस क्या क्या हैं? कॉम्पिटिशन सबसे बड़ा चैलेंज है, अमेजोन पे हर बंदा बैग बेच रहा है। अभी लास्ट ईयर मेरे पास यहाँ पे वाइवा देने के लिए ना कोई स्टूडेंट आया था BCA फाइनल ईयर का, तो मैंने उसको पूछा कि तूने क्लासेस क्यों नहीं लगाई, तो ही सेड कि सर मैं अपना काम करता हूँ तो इसलिए मैं क्लासेस नहीं लगा पाया। तो आई हैड अ पिटी आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्टोरी, मैंने पूछा कि कितने बैग्स बना लेते हो दिन में और कितने का बेचते हो? ही सेड कि सर ये जो ऐसे वाले बैग्स हैं जो आप स्कूल बैग्स लेके आते हो, लैपटॉप बैग्स, कितने का आप लोग परचेज करते हो? 500 से कम मिलता है? कभी नहीं मिलता, बहुत रेयर चांस है। और जो वो बैग बना रहा है वो बेचारा 150 रुपये में सेल कर रहा है, 150 रुपीज़ का बैग वो रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर वो बैग आपको 500 में, 550 में, 600 में, 800 में भी सेल कर रहा है। तो उसको हमने एडवाइस किया कि भाई तुम ये कर, क्यों तू अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे बैग क्यों नहीं सेल करता? वो कहता कि सर मुझे आता ही नहीं, क्लासेस लगाई होती तो आता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पढ़ने के लिए पैसे खर्च रहे हो और
पर पढ़ नहीं रहे जिस चीज के लिए पैसे खर्च करते हैं। ये वही चीज होगी कि आप लोग गए डीमार्ट में, टोकरी भर ली, डीमार्ट पता ना सबको, टोकरी भर ली, वहाँ पे काउंटर पे गए, लाइन में लग के मेहनत से वो पैसे पे भी करे, पे करने के बाद आप खुद बाहर आ गए, टोकरी अंदर रह गई। हुआ कभी ऐसा? यहाँ कॉलेज में तो होता है, आप लोग 40,000 रुपए खर्चे आपने साल की फीस, रोज आप इस स्टोर में आ रहे हो, टोकरी भरते हो, लेक्चर सुनते हो, घर जाते हो, लेक्चर ये छोड़ जाते हो, ठीक है एनालॉगी। तो ये चीज सही है आपको। अच्छा हम बात कर रहे थे कंपटीशन की, उसने बोला कि सर कंपटीशन बहुत है अगर मैं इसको ऑनलाइन सेल करता हूँ, तो उस कंपटीशन को किल करने के लिए आप में जज्बा होना चाहिए। वो कंपटीशन आप कैसे किल करोगे? आप कुछ इनोवेशंस लेके आओ, आप प्राइस में कुछ वेरिएशंस लेके आओ, आप कुछ कॉम्बो प्रोडक्ट्स या वो बॉक्सेस क्रिएट करो जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास आए और आपसे वो चीज़ परचेज कर सके। वो चीज़ें चाहिए। साइबर सिक्योरिटी अगेन, अब दूसरा बड़ा ड्रॉबैक लोगों के मन में ये रहता है कि यार मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूँगा, कोई और मेरे पैसे ना ले जाए, तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है। अब वो बेचारा या तो बैंक बनाने पे फोकस करेगा या वो सिक्योरिटी पे फोकस करेगा, ये भी उसके लिए चैलेंज है, ठीक है। वो या तो पढ़ लेवे या बैंक बना लेवे, उसके काम हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सके, उसके लिए ये भी चैलेंज है। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व द टेक्निक्स ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग। लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज वो भी हैं कि आप कितने की कोई चीज़ खरीद सकते हो, बेच सकते हो, क्या खरीद सकते हो, क्या बेच सकते हो, ये सारी रेगुलेटरीज आपको ये देखनी आएगी। देर आर सम टूल्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, शॉपिफाई, वू कॉमर्स, जेन कार्ड, मैजेंटा, ओएस कॉमर्स, इन सब से आप अपना पोर्टल क्रिएट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के लिए यू कैन यूज फेसबुक, गूगल, एक्स, थ्रेड्स, टिकटॉक, ये आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, दो चीज़ें आप यूज करें। देन फाइनेंशियल टूल्स के लिए आपके पास पेपाल, स्ट्राइक, सीसी एवेन्यू, रेजर पे, इस तरह के पेमेंट गेटवेज अवेलेबल है जो आपको फाइनेंशियली इंटीग्रेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। देन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मैंने बता दिया, कोर्सेरा, यूडेमी वगैरह है, जहाँ से आप कोर्सेज बाय करके लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी हैं, पर इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है, ध्यान से देखना वीडियो को, मैं क्वेश्चन पूछना है किसके बारे में। क्या सीखा इससे? That is the most required thing in entrepreneurship. अकेला बंदा पूरा का पूरा काम हैंडल नहीं कर सकता, so you need to build a team. अब मैंने वो बैग वाले की एग्जांपल दी, उसको टीम में कौन कौन चाहिए था, प्रोक्योरमेंट के लिए उसको बंदा चाहिए था जो उसके बैग के लिए रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर सके, ठीक है। उसको मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए था जो उसके प्रोडक्ट को मार्केट कर सके, उसको
उसको डिजाइनिंग के लिए बंदा चाहिए था जो नए नए तरीके के बैग्स के डिजाइन बता सके। तो ये सारे बंदे कौन होंगे? ये सारे कंप्यूटर वाले ही होंगे जो वेब पे सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, वहाँ पे नई नई चीज़ें देखते रहते हैं और उन चीज़ों को लाइफ में अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सो आपको अगर बिजनेस शुरू करना है, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर फ्रेंड्स हू हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी। सेम कैपेबिलिटी वाले नहीं, नॉर्मली असं कहते हैं रंग मिलती है तो आप बिजनेस शुरू कर लेंगे, वो नहीं शुरू करना चाहिए, रंग मिलती है। ठीक है, जो थानू आता है जो दूसरे को आता है, जो दो मिलोगे तो 11 हो जाओगे। ठीक है, जो सेम वाले ही हो तो फिर एक तो एक दो ही होंगे। वन मोर एग्जाम्पल आई हैव क्या सीखा यहाँ से? कितनी जल्दी ग्रोथ नहीं करना, क्विकली करना जल्दी। ठीक है, कीप ऑन वर्किंग, हार्ड वर्क लगे रहो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पीछे मुड़ना पड़े, पर फिर भी छोड़ना नहीं, सब नहीं छोड़ना। ठीक है, बढ़ते रहो एंड सक्सेस विल बी। थैंक यू। एक ग्रुप फोटो करवानी है बाहर, जस्ट फॉर वन।